दोस्तों कोरोना से हो जाए सावधान, क्योंकि ओमिक्रॉन के एक्सबीबी वेरिएंट के बाद देश में BF7 की दस्तक हो चुकी है। दोस्तों 3-4 हफ्तों में देश भर में फैल सकता है कोरोना का नया वेरिएंट। ये है इसके लक्षण और बचने का तरीका। COVID-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के नए सब वेरिएंट की एंट्री हो चुकी है और एक्सपर्ट ने इसको लेकर चेतावनी दी है। यह नया वेरिएंट कौन सा है और इसके लक्षण क्या है, त्योहार के सीजन में क्या सावधानी रखें, आइए इस वीडियो में मैं बताऊंगा। त्योहारों से पहले भारत में कोरोना वायरस के मामलों ने एक बार फिर से तेजी पकड़ ली है। कोविड के बढ़ रहे मामलों को थमने के लिए महाराष्ट्र केरल जैसे राज्यों में एडवाइजरी भी जारी कर दी है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी पिछले कुछ दिनों के अंदर कोरोना के मामले में उछाल देखने को मिला है। राज्य स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में शुक्रवार 16 अक्टूबर को 1.59 पॉजिटिव रेट के साथ कोरोना के 115 नए मामले सामने आए हैं और शनिवार को 2.12 पॉजिटिव रेट के साथ कोरोना के 135 नए मामले सामने आए थे। वर्तमान में दिल्ली में अभी 429 कोविड केस एक्टिव हैं, जिसमें 329 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार COVID-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के नए सब वेरिएंट की भी इंडिया में पहचान हो चुकी है। ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट का नाम BA.5.1.7 है। एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है कि यह नया वेरिएंट अन्य वेरिएंट की तुलना में तेजी से फैल रहा है और अगर लापरवाही बरती गई तो कोविड संक्रमण के मामले बढ़ने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। भारत में BF7 सब वेरिएंट के पहले मामले के बारे में गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर ने पता लगाया। चीन में कोरोना के मामले बढ़ने के कारण यही वेरिएंट है। चीन में COVID-19 मामलों में आई तेजी का कारण BF7 और BA.5.1.7 वेरिएंट ही बताया गया था। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और बेल्जियम में भी इस नए वेरिएंट के मामले में सामने आ चुकी है। नया सब वेरिएंट फुल वैक्सीनेट और अच्छी इम्यूनिटी वाले लोगों को भी चपेट में ले सकता है। सबसे बड़ा त्योहार दिवाली आ ही गया है और मार्केट में चारों तरफ भीड़ बढ़ गई है। दूसरी तरफ सर्दी के मौसम की वजह से भी वायरस और तेजी से फैल सकता है। ऐसे में विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि किसी को भी मास्क लगा नहीं छोड़ना चाहिए। इसके साथ ही लक्षण नजर आने पर तुरंत खुद को अलग कर लेना चाहिए। नए वेरिएंट के लक्षण क्या हैं इसके बारे में जानना भी जरूरी है ताकि समय रहते सावधानी बरती जा सके। राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार ग्रुप वैक्सीनेशन के चेयरमैन डॉक्टर NK अरोड़ा के मुताबिक इस वेरिएंट के लक्षण भी अन्य COVID-19 वेरिएंट की तरह ही नजर आएंगे, लेकिन अगर इस नए वेरिएंट की बात करें तो बदन दर्द इसका मुख्य लक्षण है। अगर किसी को लंबे समय से शरीर में दर्द हो रहा है तो उसे कोविड टेस्ट कराने की जरूरत होगी। इसके अलावा गले में खराश, थकान, कफ और बहती नाक भी इस सब वेरिएंट के लक्षण हो सकते हैं। रोटरी क्लब ऑफ मद्रास नेक्स्ट जेन में कोरोना वायरोलॉजिस्ट और कोविड अवेयरनेस एक्सपर्ट डॉक्टर पवित्रा वेंकट गोपालन के मुताबिक अभी इतना डेटा उपलब्ध नहीं है इस सब वेरिएंट के लक्षणों के बारे में बताया जा सके। अधिकांश लोगों की टेस्टिंग जीनोम सिक्वेंसिंग के माध्यम से टेस्टिंग नहीं हुई है, इसलिए अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हम इसके लक्षणों पर नजर रखे हुए हैं। डॉक्टर वेंकट गोपालन आगे कहते हैं, अगर लापरवाही बरती गई तो भारत में COVID-19 की अगली लहर आने को नकारा नहीं जा सकता। दिवाली को देखते हुए त्योहार का सीजन पूरे जोर पर है और बाजारों में लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं। ऐसे ही अगर चलता रहा तो अगले 3-4 हफ्तों में यह वायरस और ज्यादा तेजी से फैल सकता है। मौसम ठंडा हो रहा है और फ्लू भी फैल रहा है, तो हो सकता है लोग कोविड के लक्षणों को गले में खराश और नाक बहने जैसा सामान्य मामला समझ लेंगे। अगर कोई सामान्य लक्षण समझता रहा हो तो सोचिए वह कितने लोग में वायरस फैला चुका होगा। एक्सपर्ट का कहना है कि इस नए सब वेरिएंट से घबराने की नहीं बल्कि सावधान रहने की जरूरत है। इससे बचे रहने के लिए मास्क लगाए, भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचे, साबुन और पानी से अच्छी तरह से हाथ धोए, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। इस सामान्य प्रैक्टिस से भी आप इस वायरस से बच सकते हैं। आपके इस वीडियो पे क्या राय है आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।